जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गिटहब और नेटलिफाई को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग गिटहब डेस्कटॉप। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें ये बात की थी कि नेटलिफाई पर मैन्युअली कैसे आप वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। आपका अगर HTML CSS JavaScript की आपकी वेबसाइट बनी हुई है उसको आप मैन्युअली कैसे नेटलिफाई पर यूजिंग इट्स GUI आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, उसका लिंक आपको आई के आइकॉन में मिल जाएगा, ऊपर अभी आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी कि गिटहब डेस्कटॉप को यूज़ करके आप गिटहब पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद आप रिपोजिटरी कैसे बना सकते हैं, उसके बाद आप उसमें चेंजेस कैसे पुश कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के, ताकि आपका जो कोड है वो गिटहब पर भी सोर्स हो जाए। अच्छा, ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक लास्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप गिटहब और नेटलिफाई दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो URL है नेटलिफाई पर, जहाँ पर आपकी जो वेबसाइट डिप्लॉय हुई हुई है, वो अपडेट हो जाए जैसे ही आप कोड अपडेट करें अपनी वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेबसाइट का नाम चेंज करना है या आपको लोगो चेंज करना है या आपको कुछ भी चेंज करना है, तो सिंपली आप अपने कंप्यूटर पर रहते हुए लोकली आप चेंजेस करें और आप कोड को पुश करें सिर्फ गिटहब पर, और जो वेबसाइट की जो URL है वो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस उसमें डिप्लॉय हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी ये वेबसाइट थी जो हमने डिप्लॉय की थी नेटलिफाई पर उस वीडियो में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आप अगर अपने पास अभी ओपन करेंगे तो आपके पास भी ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे ये लोगो चेंज करना है, तो अगर मैं मैनुअल मेथड अप्लाई करता हूँ तो उससे क्या होगा, सबसे पहले मुझे कोड में जाना होगा, ये लोगो चेंज करना होगा, उसके बाद इसका जो पूरा बिल्ड है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा नेटलिफाई की वेबसाइट पर। सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ मैं अपनी नेटलिफाई को। तो ये मेरी नेटलिफाई की URL बेसिकली आ गई है वेबसाइट, यहाँ पर मेरा अकाउंट बना हुआ है, और ये हमारा फूडपांडा CSS क्लोन है जहाँ पर हमने वेबसाइट क्लोन की थी। तो अगर मैं मैनुअल मेथड अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर मुझे ब्राउज फाइल करके अपलोड करना होगा कोड, या सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। तो हर बार जब भी मैं कोई भी चीज़ चेंज करूँगा मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर मैनुअली डिप्लॉय करना होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ये गिटहब की वेबसाइट है, गिटहब का जो अकाउंट है आप भी अपना ओपन कर सकते हैं github.com/ आपका यूज़र नेम, तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, आप रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी रिपोजिटरीज आ जाएंगी। अब मैं क्या करूँगा कि एक रिपोजिटरी जैसे हमने पिछली बार बनाई थी उसको क्लोन करके, और वो आप अपनी लोकली कनेक्ट कर लेंगे अपने कोड के साथ। आप जैसे ही इसमें कोड से चेंजेस पुश करेंगे गिटहब डेस्कटॉप को यूज़ करते हुए, इस चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पर एक बटन क्लिक करेंगे सिंपली, तो ये यहाँ पर जो वेबसाइट की लिंक है ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम करके देखते हैं। सबसे पहले जो पिछली बार हमने वेबसाइट का क्लोन बनाया था और गिटहब का जो क्लोन हमने डाउनलोड किया था वो मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये मेरे पास कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, वेबसाइट का, फूडपांडा वाली वेबसाइट का। इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में कि ये वेबसाइट पूरी हमने कैसे क्लोन की है, फूडपांडा की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा कोड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस लोकेशन बार में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको CMD और एंटर करना है। तो आपके पास ये जो फोल्डर है ये टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक कमांड लिखना है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस क्या करता है, इससे आपको पता लगेगा कि ये जो करंट रिपोजिटरी है इसमें गिटहब आपने इनिशियलाइज किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर इनिशियलाइज नहीं किया हुआ तो इससे आप रिपोजिटरी नहीं बना सकते, अगर आपने किया हुआ है तो आपकी ये रिपोजिटरी बन सकती है। तो सबसे पहले आप गिट स्टेटस लिख के और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो फोल्डर है ये बेसिकली गिट रिपोजिटरी है या नहीं है। तो अभी जैसे आपको कह रहा है कि फैटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी, मतलब कि ये गिट रिपोजिटरी अभी यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं की हुई। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसको गिट रिपोजिटरी बनाना है। उसके लिए सिंपल आपको एक कमांड लिखना होगा गिट इनिट, ठीक है, गिट इनिट, इसको कहते हैं गिट इनिशियलाइज भी कहते हैं इसको, ये एब्रिविएशन है। अब आप एंटर करेंगे तो ये कह रहा है कि इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस फोल्डर। अब आप जैसे ही करेंगे गिट स्टेटस तो आपको कहेगा कि यहाँ पर आप ब्रांच मास्टर पर हैं, आपने कोई भी कमिट नहीं किया हुआ, आपकी फाइल्स जो है अभी तक अनट्रैक्ड हैं और नथिंग एडिड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सिंपली आपको फिर अब आप इस रिपोजिटरी को गिटहब डेस्कटॉप में ओपन कर सकते हैं और आप इसको एज अ गिट रिपोजिटरी बना सकते हैं, गिटहब पर इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया कि इसको गिट रिपोजिटरी बनाना है।
उसके बाद आप GitHub डेस्कटॉप ओपन करें और यहाँ पर आप क्लिक करें इस एरो को, यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करें और आप यहाँ पर लिखेंगे ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी और आप उसका फिर ओपन करेंगे अपने फोल्डर को जहाँ पर भी आपने रखा हुआ है। मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है तो मैं इसको क्लिक करूँगा, फूड पांडा वेब ये मेरा फोल्डर है, सिलेक्ट फोल्डर, ऐड रिपोजिटरी पर क्लिक करें और यहाँ पर आपकी ये रिपोजिटरी आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस रिपोजिटरी को GitHub पर डिप्लॉय करना है। अभी तक GitHub पर कोई भी इस नाम की रिपोजिटरी नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ पर करूँगा पब्लिश रिपोजिटरी पर क्लिक, उसके बाद ये मेरे पास पॉपअप आ गया इसमें। अच्छा, ये दूसरा मेथड है GitHub पर रिपोजिटरी को डिप्लॉय करने का। मैंने पिछला जो मेथड आपको बताया था पिछली वीडियो में वो github.com की जो वेबसाइट है उसको यूज़ करके था। अभी आप सिंपल GitHub डेस्कटॉप को यूज़ करते हुए वेबसाइट को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नाम दें इस वेबसाइट का, इस रिपोजिटरी का जो आप GitHub पर डिप्लॉय कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दें, कुछ भी लिख लें, फूडपांडा वेबसाइट फॉर टेस्टिंग। ठीक है, कीप दिस कोड प्राइवेट आपको नहीं करना, आपको पब्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम प्राइवेट कोड की तरफ नहीं जा रहे, ऑर्गेनाइजेशन आपकी अभी तो कोई भी नहीं है, तो आप इसको सिंपली पब्लिश पर क्लिक कर दें। अच्छा, इससे क्या होगा कि ये जो रिपोजिटरी है ये github.com पर डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये अगर मसला करे तो दोबारा हेड पर पब्लिश पर क्लिक कर दें। ठीक है, इसको क्लिक करें। ठीक है, अच्छा अभी क्यों नहीं चेंजेस पब्लिश हो रहे, मैंने एक गलती कर ली है कि मैंने ये चेंजेस जो है वो कमिट नहीं किया अभी तक। तो आपको सबसे पहले कमिट करना होगा, ऐड करना होगा, उसके बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखें सिंपली कमिट का पहले आपको मैसेज लिखना होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछली वीडियो में भी किया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी के एडिट इनिशियल फाइल्स और इसको आप कमिट टू मास्टर करें, मास्टर आपकी ब्रांच है, उसके बाद आप करेंगे पब्लिश ब्रांच, अब आपकी जो वेबसाइट है वो पब्लिश हो जाएगी रिपोजिटरी। ठीक है, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, डिस्कार्ड मतलब ये चीज़ मैं ऐड नहीं करना चाहता रिपोजिटरी में। तो ये आपकी रिपोजिटरी पब्लिश हो रही है और ये आपकी रिपोजिटरी पब्लिश हो गई। अब आप अगर github.com अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और आपको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास एक और रिपोजिटरी यहाँ पर आ जाएगी। मेरे पास ये आ चुकी है फूडपांडा वेब की रिपोजिटरी और ये देखें, ये हमने जो अभी अभी अपडेटेड नाउ अभी अभी हमने ये ऐड किया, तो आप इसमें जाएंगे तो आपको अपना कोड मिल जाएगा। ये देखें आपका कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है, इमेजेस इंडेक्स एचटीएमएल और सारी चीज़ें जो हमने, ये आपकी वो चीज़ें जो readme.md में आपने रखी हैं वो यहाँ पर ऐसे शो होती हैं। ठीक है, अब हमने GitHub पर डिप्लॉय कर दी है अपनी वेबसाइट, अब हम इसको Netlify के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि पहला काम ये हो कि ये ऐसी जो लिंक है वो हमारी जनरेट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि चेंजेस करेंगे और देखेंगे कि हमारे चेंजेस जो है ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होते हैं या नहीं होते। इसको हम कहते हैं CICD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिवेलपमेंट। अच्छा, अब क्या करते हैं, Netlify पर गए आप और आप अपनी टीम में जाएंगे। ठीक है, आप साइन इन करेंगे सिंपली तो आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप साइन अप कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ तो। अब यहाँ पर हम शुरू से ही करते हैं, इसको छोड़ देते हैं लिंक को, नई हमने वेबसाइट बना लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ऐड अ न्यू साइट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है इम्पोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, उसके बाद आपको यहाँ से GitHub सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको ऑथराइज करेगा ये, उसके बाद आपको सारी रिपोजिटरी यहाँ पर आपकी दिखा देगा, आपको यहाँ से वो रिपोजिटरी सिलेक्ट करनी है जो आपने वहाँ पर बनाई थी। ठीक है, तो हमने जो रिपोजिटरी बनाई थी वो थी फूडपांडा वेब, फूडपांडा, मैं सिंपली इसको ही इंटर करता हूँ तो आ जाएंगी सारी। ये हमारे पास हमारी रिपोजिटरी आ चुकी है, इसको आप क्लिक करें, उसके बाद जो ब्रांच आपको डिप्लॉय करनी है, सबसे पहले अभी तक हमने ब्रांचेस नहीं सीखी, आप सिंपल इसको रहने दें जैसा भी है, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर डिप्लॉय साइट पर क्लिक करें तो आपकी वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगी और एंड में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप वो वेबसाइट देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई और लिंक हमें मिल गई है, इस पर क्लिक करें तो ये आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई। ठीक है, अब हमें देखना है कि चेंजेस हमारे जो हैं वो यहाँ पर अपडेट होते हैं या नहीं होते। इस लिंक को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं हमेशा चेंज करता हूँ क्योंकि ये अजीब सी इसने लिंक दे दी है। यहाँ पर साइट सेटिंग पर क्लिक करें, चेंज साइट नेम और यहाँ पर आप कोई अच्छा सा नाम लिख लें, फूडपांडा वेब
करें तो ये आपकी न्यू लिंक आपके पास आ गई। आप डिप्लॉयज पर क्लिक करें, लिंक पर क्लिक करें तो आपके पास ये सारी चीज़ आ गई। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ दोनों को। तो अभी जो हमारी नई लिंक है वो ये है, ठीक है, जहाँ पर ये वेबसाइट डिप्लॉय हुई है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इट्स द फूड एंड ग्रोसरीज यू लव डिलीवर्ड, इसको मैं चेंज करता हूँ, कुछ और यहाँ पर लिखता हूँ और सिंपली मैं गिटअप डेस्कटॉप से यहाँ से पुश करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर अपलोड होता है या नहीं होता, अपडेट होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं कोड में। यहाँ पर मैं वी एस कोड ओपन कर सकता हूँ। अच्छा, एक मेथड तो ये है कि आप सिंपली वी एस कोड ओपन करें पहले, और आप यहाँ से फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर, और यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये आपका फोल्डर पड़ा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट करें तो ये आपका कोड में ओपन हो गया। ठीक है, मैं इसको ट्रस्ट कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से ये हमारा कोड है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अभी हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं गो लाइव करूँगा तो ये लोकल होस्ट में खुल जाएगा कोड, यहाँ पर खुल गया ये लोकल होस्ट में। अब इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर मैं यू प्रिपेयर द फूड, अच्छा इसको चेंज करना है, ठीक है, इट्स द फूड एंड ग्रोसरीज यू लव। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो इट्स डेवलपर, ठीक है, और मैंने कर दिया सेव। यहाँ पर अब मैं जैसे ही इसको देखते हैं पहले प्रीव्यू में कि यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है, ये लोकली अपडेट हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिंक पर यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ। अब अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, गिटअप पर सबसे पहले इसको पुश करना होगा। ठीक है, ये चेंज आपका गिटअप डेस्कटॉप में आ गया, रेड वाला जो है वो आपने रिमूव किया है और ग्रीन वाला आपने ऐड किया है। यहाँ पर आप इसको कुछ भी कमेंट मैसेज लिखें, मैं लिखता हूँ चेंज टेक्स्ट, उसके बाद इसको कमेंट करता हूँ, उसके बाद पुश करता हूँ। और जैसे ये पुश कंप्लीट होगा तो Netlify पर एक जॉब रन हो जाएगी, एक टास्क रन हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं गया कि ये देखें अपलोडेड, आपका यहाँ पर ट्रैक हो गया Netlify में और पब्लिश भी हो गया। अब आप जैसे ही इस लिंक पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपका यहाँ पर चेंज आ गया। ठीक है, सिंपली आपने क्या किया, चेंज करके आपने एक बटन यहाँ से प्रेस किया पुश का, कमिट का, फिर पुश का, तो आपकी जो वेबसाइट है उस पर चेंज आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको और भी चेंजेस, अगर आप और कोई वेबसाइट बनाते हैं और यहाँ आप कोई भी चेंज करते हैं, आप कंप्लीट इस वेबसाइट को भी चेंज कर लें, उसके बाद भी आप सिंपल एक बटन वहाँ से एक यहाँ से दबाएंगे, तो मतलब आप गिटअप डेस्कटॉप को यूज़ करते हुए सिंपली आप यहां से सिर्फ पोस्ट करेंगे, आपकी जो वेबसाइट की URL है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसके साथ आपने ये नई स्किल भी सीख ली और ये काफ़ी यूज़फुल होती है अगर आप स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करें जिसको आप रिपीटेडली अपडेट करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो हो गया, पोर्टफोलियो में आपने फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ऐड किया और आपने सिर्फ यहां से पुश किया तो वो प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।